मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार कह दो मोहब्बत करते हो मुझसे। करीना के अलावा और कौन से सितारे हैं फिल्म में? क्या कलंक की असफलता के कारण करण जौहर कर रहे हैं फिल्म में देरी? क्यों किया गया फिल्म के लिए वर्कशॉप का इंतजाम? बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं, हालांकि वो अब काम पर लौटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो करीना जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म तख्त की शूटिंग शुरू कर रही है। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ पंखुरी, और आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग बॉलीवुड पीरियड ड्रामा फिल्म तख्त के बारे में, जिसकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन की कहानी होने वाली है काफी दिलचस्प, तो बने रहिएगा हमारे साथ। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक करीना कपूर खान फिल्म तख्त में करण जौहर के साथ 18 साल बाद काम कर रही हैं। इससे पहले करीना करण की जोड़ी फिल्म कभी खुशी कभी गम में नजर आई थी। करीना की इस फिल्म में उन्होंने पू का किरदार निभाया था और उनके इस रोल को जबरदस्त तारीफें भी मिली थी। ये किरदार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। ऐसे में करीना को पूरी उम्मीद है कि फिल्म तख्त में निभाए जाने वाले उनके किरदार को देखकर लोग पू को भूल जाएंगे। करीना कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो फिल्म तख्त में एक किरदार निभाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि वो एक जबरदस्त पीरियड ड्रामा फिल्म है, इसमें वो एक अलग तरीके के किरदार में नजर आएंगी। करीना ने बताया कि वो तख्त में बादशाह बेगम यानी कि शाहजहां की बेटी जहांआरा के किरदार में होंगी। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर और करण के साथ काम करने को लेकर वो काफी एक्साइटेड है। करीना ने आगे कहा, एक अरसा बीत चुका है करण के साथ काम किए हुए, इस फिल्म में काम करके काफी अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये किरदार कभी खुशी कभी गम के पू के रोल से बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीना इसी साल आने वाले अक्टूबर महीने में तख्त की शूटिंग शुरू कर देंगी। हालांकि खुद करीना कपूर ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। रिपोर्ट की माने तो मार्च में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। वहीं करण जौहर तख्त के जरिए माइथोलॉजी जीनर में अपने डायरेक्शनल स्किल्स को दिखाने जा रहे हैं। ये फिल्म मुगल काल में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुई दिल्ली के तख्त की लड़ाई पर आधारित है। फिल्म में करीना के अलावा अनिल कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और जाह्नवी कपूर भी अहम भूमिकाओं में होंगे। तख्त में करीना कपूर जहां शाहजहां की बेटी जहांआरा के किरदार में है, वहीं अनिल कपूर शाहजहां के रोल में है। रणवीर सिंह द्वारा शिकोह यानी कि शाहजहां के बेटे, आलिया भट्ट द्वारा शिकोह की वाइफ विकी औरंगजेब, तो भूमि पेडनेकर औरंगजेब की वाइफ के किरदार में होंगी। इससे पहले खबरें थी कि कलंक की असफलता की वजह से करण इस फिल्म पे काम करने में देरी कर रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि करण फिल्म की स्क्रिप्ट पर फिर से काम कर रहे हैं ताकि इस बार कोई कमी ना रह जाए। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि करण जौहर कलंक से मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए इस बार अपना कदम फूंक फूंक कर चल रहे हैं, और इसी वजह से कलाकारों के लिए उन्होंने वर्कशॉप तक का इंतजाम किया था। हालांकि बीच में अफवाहें थी कि करण जौहर की तख्त बंद हो गई है, लेकिन करण जौहर ने ऐसी खबरों को महज अफवाह बताया और कहा कि वो इस पर जरूर काम करेंगे। फिलहाल हम तो इंतजार में बैठे हैं इस फिल्म के, और आप साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मुगल पीरियड ड्रामा को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है जूही ने।